लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आपको इस घर से कोई भी नहीं निकाल पाएगा। पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरी और आपकी मंजिल एक है। अपना सामान लेकर आना। क्यों? क्योंकि अब तुझे इस घर से जाना है। जाने का समय मेरा नहीं तुम्हारा आ गया राधिका। राधिका ये घर मेरा है और देव मेरे पति हैं। विशाखा हाथ नीचे रखो राधिका। देव से तो मेरा कभी तलाक हुआ ही नहीं था। इसलिए आज भी ये घर मेरा है और मैं ही इस घर की छोटी बहू हूं। और उसका सबूत है ये लो, तुम भी देखो। हिम्मत बहुत बढ़ गई है तुम्हारी। खबरदार जो ऐसी बात दोबारा मुंह से निकाली तो तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं है, समझी तुम? विवेक, ये जो झूठे कागज दिखाकर हमें धमका रही है ना, फेंक मारो इसके मुंह पर। मां, ये पेपर सही है। ये कोर्ट का नोटिस है कि तलाक नामंजूर हो गया है। विशाखा, क्यों बार बार ऐसी हरकतें करके अपने आप को अपमानित कर रही है? शादी की सच्चाई तू भी जानती है और मैं भी, फिर ये हक क्यों जता रही है? एक बहन होने के नाते मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा है, हमेशा तेरी रक्षा की, और तूने उसके सिले में मुझे क्या दिया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है विशाखा? राधिका, अब मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो सब लोगों को बस यही बताना चाह रही थी कि देव के साथ मेरा कभी तलाक हुआ ही नहीं। आज भी मैं देव की जायज पत्नी हूँ और इस घर की छोटी बहू। चुप कर, इस घर की छोटी बहू तुम नहीं हो। अगर इस घर की कोई छोटी बहू है तो वो है राधिका, सिर्फ राधिका। और इसके पहले कि हमें धक्के मारकर इस घर से निकालना पड़े, खुद ही चली जाओ ये घर छोड़कर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं ये घर छोड़कर कभी जाऊंगी ही नहीं। Thank you.
तो कमाल हो गया। कल तक सब कुछ मेरे खिलाफ था और अब सब कुछ मेरी मर्जी का हो रहा। यहाँ विशाखा राधिका को मिटा रही है और वहां शांतनु देव को। हम लोग इसकी बकवास सुनी क्यों रहे हैं? निकाल बाहर करो ना इसे यहाँ से। अगर मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। आप लोग ऐसे कैसे इस घर की छोटी बहू को बाहर निकाल सकते हैं? जरा सोचिए, समाज में ये बात आग की तरह फैल जाएगी, लोग आप पर थू थू करेंगे। सोच लीजिए क्या करना चाहते हैं आप। मुट्ठी बंद रखूं या खोल दूं? जल्दी आ जाइए, यहाँ अनर्थ हो रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं मिस्टर देवराज पुरोहित? ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये मेरी पत्नी की है। क्या कह रहे हो तुम शांतनु? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, मेरा सच आपकी आंखों के सामने है। मैं तो खुद वक्त की बिसात पे बिछा हुआ एक मौरा हूं। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, एक ऐसा इंसान जिससे वक्त ने उसके जीवन साथी को छीन कर उसकी आंखों के सामने हूबहू किसी और को लाकर रख दिया। पहेलियां मत पूछो, साफ साफ शब्दों में कहो। इससे और साफ लफ्जों में मैं आपसे क्या कहूं? ये तस्वीरें मेरी पत्नी राधा की है। राधिका जी को देखकर मैं बेचैन हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सूरत मेरी पत्नी राधा से इस कदर मिलती थी कि बहुत प्यार करता था मैं अपनी पत्नी से, अब भी करता हूं। लेकिन किस्मत ने इसे मुझसे छीन लिया। मेरा दर्द आप नहीं समझ सकते मिस्टर देवराज पुरोहित, क्योंकि आपके पहलू में आपका प्यार है, आपकी पत्नी है। मेरा दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपना प्यार खोया है, जिसे तकदीर ने जिंदगी पर तन्हा रहने की सजा दी है। अब आपको जाना चाहिए मिस्टर देव। आपके घर पर महफिल जोरों पर है, लोग आपके खुशी में शरीक होने आए हैं। ऐसे में आप मेरा दर्द सुनते बैठे ये ठीक नहीं। मेरा गम बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप प्लीज मुझे मेरी यादों के साथ अकेला छोड़ दीजिए।
हेलो, कहाँ हैं आप? क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो? आप बस जल्दी घर वापस आ जाइए, मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है राधिका, मैं अभी आता हूँ। बिटिया, आज तूने मनहूस राधिका के मुंह पर कागज मारकर मेरा सीना चौड़ा कर दियो है। मन करता है तोरी आरती उतारूं। अम्मा, आरती मेरी नहीं, उस शांतनु की उतारनी चाहिए। अरे उसी के कारण तो ये सब हुआ है। अगर वो सही समय पे आके मुझे वो कागजात नहीं देता तो। पर अम्मा, उसके पास ये पेपर्स कहां से आए? और अगर उसके पास ये पेपर्स थे, इसका मतलब कि वो जानता था कि इस घर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। बिटिया, तू तो ये सब पचड़े में ना पड़। बस जो हुआ है उसकी खुशी मना। मुझको तो बस एक ही बात का डर है, देव बाबू आवेंगे तब का होवे गो। तू तो बस एक ही जुगत मालक कि किसी तरह वो राधिका देव बाबू से दूर हो जावे और तू बस हमेशा हमेशा के लिए देव बाबू की हो जाए, समझी? काश कि एक सिर्फ बुरा सपना होता। चिंता मत कीजिए माँ जी। पर छोटी बहू, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है उसका। विवेक देख रहे, अरे क्या कहा वकील साहब ने? माँ, वकील साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। पर ये सब हुआ कैसे विवेक बाबू? तलाक का मामला तो पूरा आपने अपने हाथ में रखा था, कागज जमा करवाने से लेके तारीख लेने तक सब कुछ आप कर रहे थे, तो फिर कैसे हो गया ये सब? यही तो मैं भी वकील साहब से पूछना चाह रहा हूँ चाचा जी, लेकिन वकील साहब फोन ही नहीं उठा रहे। राधिका क्या हुआ? राधिका क्या हुआ मुझे बताओ ना। देखो रो मत राधिका, इधर देखो, मुझे बताओ क्या हुआ। हमसे बहुत बड़ी भूल होगी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे समझाओ। दादी माँ दरवाजा खोलिए, हमारी बात तो सुनिए दादी माँ। देव भैया, दादी माँ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और दरवाजा नहीं खोल रही है। किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, जल्दी चलिए। माँ जी खोलिए ना, माँ जी। दादी माँ दरवाजा खोलिए, हमारी बात तो सुनिए दादी माँ। माँ जी दरवाजा खोलिए ना। दादी माँ क्या हुआ है भैया, दादी माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तब का पूछ रहे थे बाबू, ये उसी चिंगारी की आग है जिसे आप घर में लेके आए थे। क्या मतलब? क्यों, देव बाबू को बताया नहीं छोटी बहू? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी पूर्व पत्नी ने इस घर से जाने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि वो कानूनन अभी भी आपकी धर्म पत्नी है। क्या, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है बेटा, उसने कुछ कागजात भी दिए हैं। विवेक दिखाना बेटा उसे कागजात। ये कोर्ट का नोटिस आया है, इसमें लिखा है कि सारे जरूरी कागज जमा ना करने की वजह से तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। ये कॉपी तो विशाखा को भेजी होगी, तुम्हारे नाम की कॉपी तो हमें मिली नहीं। पर भैया वकील क्या बोल रहा है? मैं कब से उसे फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है वो।
पर ये सब कुछ हुआ कैसे? मतलब ये तो होना ही था देव। आस्तीन में सांप को पाला जाएगा तो कभी ना कभी तो वो डसेगा ही, इसीलिए मना कर रहे थे उसे यहाँ रखने के लिए। लेकिन नहीं, किसी की नहीं सुनी ना तूने। उस लड़की के लिए सबसे बहस की, सबसे लड़ाई की, और देख रहे हो ना, उस लड़की ने फिर से एक बार हमारी पीठ पर खंजर से वार किया है। और इसी बात का डर था बेटा, और तेरी दादी भी इसी वजह से परेशान होकर ये सब कर रही। अगर तू सबकी खुशी चाहता है ना तो जा, जा जाकर इसी वक्त उसे घर से निकाल दे। जा बेटा। ये तुम कौन सा नया खेल खेल रही हो? कैसा खेल देव? क्यों साबित करने में तुली हो कि तुम मेरी पत्नी हो? क्योंकि यही सच है। ये झूठ है। आपने शायद कोर्ट के कागजात ठीक से नहीं देखे हैं। हमारा तो कभी तलाक हुआ ही नहीं था, इसलिए आज भी मैं आपकी पत्नी हूँ। चंद कागज के टुकड़े मुझे ये मानने पर मजबूर नहीं कर सकते कि तुम मेरी पत्नी हो। और अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम राधिका की जगह ले लोगी तो भूल जाओ विशाखा। तुम इस जन्म में क्या, तुम किसी भी जन्म में मेरी पत्नी नहीं कहलाओगी। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहां से। मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे आप कुछ कहें या कोई कुछ भी कहे। सच यही है कि मैं आपकी पत्नी हूं, और इसका सबूत है वो कोर्ट के कागजात। मैं किसी सबूत को नहीं मानता। तुम मेरी पत्नी नहीं हो और तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अब मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। समझ बाबू छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी के साथ कोई ऐसा सलूक करत है का? छोड़ दीजिए देव बाबू। दामाद बाबू सुनिए, दामाद बाबू, देव बाबू छोड़ दीजिए। अरे कोई तो बचाओ मोर बिटिया को, इक्का बर्ताव हो रही घर की छोटी बहू के साथ। देव आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देव बाबू छोड़ दीजिए मोर। आप मुझे जबरदस्ती इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, छोड़िए मुझे। हमारी इस घर में कभी कोई जगह थी, वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें यहाँ आश्रय दिया था। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर का वातावरण खराब नहीं करने दूंगा। रुक जा देव। देव, हम इस तरह विशाखा को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अभी अभी मेरी वकील साहब से बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तलाक की नामंजूरी के कागजात हमारे घर पर भिजवा दिए थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वकील साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन बेटा, कानून हमें इस लड़की को घर में रखने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता ना? कर सकते हैं माँ। वकील बाबू ने बताया कि अगर हम लोग विशाखा को घर से बाहर निकालेंगे तो ना सिर्फ पुलिस बल्कि महिला आयोग और राष्ट्रीय राजपुरोहित संघ सभी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
देव, मैं अपने कमरे में वापस जाऊं। नोटिस भेजा था तो हमें मिला क्यों नहीं? ये चीज आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। हेलो हेलो, वकील ने फोन काट दिया। इतने सालों की पहचान है, वो तो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे जैसे कि वो मेरा वकील नहीं है, वो विशाखा का वकील है। विशाखा से मेरी शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका हर्जाना मैं अभी तक भर रहा हूं। न जाने और कितने तूफानों का सामना करना पड़ेगा हमारे रिश्ते को। हमें किसी भी तूफान से डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारा रिश्ता अटूट है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे प्यार ने हमेशा नियति के फैसले को चुनौती दी है। आप चिंता मत कीजिए, जीत हमारे प्यार की होगी। मैं अभी आती हूँ। कहाँ है आई रही? मैं आपसे नहीं, विशाखा से बात करने आई हूँ। क्या है ये सब विशाखा, क्यों कर रही है तू? ये वकील का सहारा लेकर कागज के टुकड़े दिखाकर तू क्या बताना चाहती है? वही जो सच है राधिका। देव मेरे हैं, क्योंकि मेरा उनसे कभी तलाक हुआ ही नहीं था, इसीलिए आज भी मैं उनकी पत्नी हूं। और वो तेरे नहीं, मेरे पति। बस विशाखा, तलाक की बात तो तब उठेगी ना जब तेरी उनसे शादी हुई होगी। तू ये शायद भूल गई है विशाखा कि शादी तेरी नहीं मेरी हुई थी, और मेरे उनके साथ सात नहीं 14 फेरे हुए हैं।